दोस्तों आज हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे उसे करके आप एक दिन का 40,000 रुपये तक कमा सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि इस बिजनेस को करते वक्त आपको डर नहीं लगेगा। उसका कारण ये है कि अगर इन केस आपसे ये प्रोडक्ट नहीं सेल होता है तो कंपनी आपका जो प्रोडक्ट है वो वापस ले लेगी और आपको पेमेंट वापस मिल जाएगी। तो बिना डरे हुए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और मिनिमम पकड़ूँ तो 2,000 रुपये और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक दिन का आप 40,000, 50,000, 60,000 तक कमा सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे, जो ओनर है इनके साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं वो आज एक दिन का 1-1 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं। और जिस कंपनी के बारे में हम आज आपको बताऊंगा वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 34 साल से पूरे भारतवर्ष के अंदर अपनी सेवाएं दे रही है। पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में क्या फ़र्क है आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। एक विश्वसनीय ब्रांड के साथ मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ और पूरा आपको वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि किन किन प्रोडक्ट के अंदर कंपनी डील करती है, किस तरीके से आप इनके साथ मात्र 20,000 रुपये लगा के इनके साथ जुड़ सकते हैं। खास बात यही है कि सिर्फ 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट रहेगी, इनकम एक दिन की आप 40,000 रुपये तक कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो कंपनी को आप वापस कर सकते हैं, मार्केटिंग में आपकी कंपनी पूरी हेल्प करेगी। और कोरोना और महामारी के दौरान तो इस प्रोडक्ट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी कि प्रोडक्ट टेस्टिंग किस तरीके से होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, बेहद शानदार वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार जी, आप ये देख सकते हैं ये हमारी फैक्ट्री है, काफ़ी बढ़िया सेटअप लगा रखा है हमने यहाँ पे। यहाँ पे हर टाइप के प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ये ऑफिस ब्लॉक है, यहाँ पे हमारी लेबोरेटरी अवेलेबल है जहाँ पे हम लोग हर टाइप के प्रोडक्ट आपके टेस्टिंग करते हैं जो डिस्पैच से पहले। जी ये हमारी लेबोरेटरी है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं पहले यहाँ पे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे डिस्पैच के लिए उसको भेजते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी कमी लगती है तो यहीं पर प्रोडक्ट रुक जाता है आपका जी, और कोई भी प्रोडक्ट टेस्टिंग के बिना हमारे प्लांट से बाहर नहीं निकलता जी। बाकी ये हमारा ब्लेंडिंग जोन है, यहाँ पर हम सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये हमारा पैकिंग जोन है जहाँ पर हम जो भी प्रोडक्ट होता है वो पैक होता है। बाकी ये हमारा स्टॉकयार्ड टाइप है, तो ये हमारा स्टॉकयार्ड है जहाँ पे जो भी डब्बा वगैरह होता है वो हमारा होता है जी। तो सर नमस्कार सर, सबसे पहले सर आप अपने बारे में और आपकी कंपनी के बारे में बताइए सर। नमस्कार जी, मैं निपुण जिंदल VIP ऑयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी 1986 से अपनी पूरे भारतवर्ष में सेवाएं दे रही है। हम लोग बाहर एब्रॉड भी माल अपना बेचते हैं एंड हमारी जो कंपनी बेस्ड है दैट इज़ बेस्ड इन हरियाणा। हरियाणा में भादुगढ़ में हम लोगों के प्लांट्स हैं और हमारा जो हेड ऑफिस है वो पंजाबी बाग में। तो सर आप हमें ये बताइए, अगर कोई इस बिज़नेस को करता है तो मिनिमम कितना पैसा कमा सकता है पर डे का, और मैक्सिमम कितना? सर क्या है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि आप जितना मर्जी बेच लो जी, कम है जी माल जी। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, अगर एक पेटी में आप 2,000 रुपये कमा रहे हैं तो जो दिन की 20 पेटी है, जो कि इतनी मामूली बात है, कोई भी बेच सकता है जी। सर मेरे इतने डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं थी स्टार्टिंग में जी, उन्होंने आपके लगाओ जी 15-20 हज़ार से काम शुरू करा और वो आज दिन में 50-50 पेटी दिन की निकाल रहे हैं जी। तो हम लोग अगर मिनिमम बात करें कि 10 से 20 पेटियाँ बेचनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी दिन की जी, और आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना कमाई होगी जी दिन की। एक पेटी के साथ 2,000 रुपये बचता है तो 20 के साथ 40,000 पर। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर सर ने बताया कि इनके इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एक दिन की 50-50 पेटी बेच रहे हैं, मतलब कि 1 लाख रुपए पर डे का वो इनकम कर रहे हैं। वो इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि 34 साल पुरानी कंपनी है, एक विश्वसनीय ब्रांड है, और दूसरा इनके प्रोडक्ट के अंदर दम है, रिपीट ऑर्डर आते हैं। सर पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं जी इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, आपका 40+ हो गया, 20-40, 15-40, गियर ऑयल, उसके बाद पम्प सेट ऑयल, वेट ब्रेक ऑयल, APLR ग्रीस, रेड जेल ग्रीस, AP3 ग्रीस, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूड, कूलेंट। सर इनके अलावा भी हम लगाइए काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये तो सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट्स है जो हमारी रेंज के कुछ हिस्सा है जी, कुछ पार्ट है जी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हर टाइप की पैकिंग अवेलेबल है। ये 40+ की पैकिंग है, इसमें बड़ी शानदार पैकिंग है जी। इसमें आपका 40+ हम लोग बेचते हैं जो 900 ml 1 लीटर होता है। उसके बाद ये वेट ब्रेक ऑयल हो गया जी, ये वेट ब्रेक ऑयल आजकल काफ़ी नए टाइप का प्रोडक्ट है, ट्रैक्टर्स वगैरह में चलता है जी, तो ये भी हम लोग बना रहे हैं जी। बाकी 15-40 हो गया, 20-40 हो गया जी, ये कूलेंट हो गया जी आपका, ये 530 हो गया जी। आजकल ये लेटेस्ट प्रोडक्ट चल रहे हैं जो कि आपका कार्स में हम लोग बना रहे हैं, कार्स के लिए।
तो ये काफ़ी हैवी प्रोडक्ट है जी, बड़ा डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है। क्या है, हमारे पास इतनी रेंज है, आप हर रेंज में काम कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर लाइन पकड़िए, आप बाइक लाइन पकड़िए जी, आप कार का सेगमेंट पकड़िए, ट्रक का सेगमेंट पकड़िए, या फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट भी पकड़िए, हमारे पास हर सेगमेंट के लिए कोई ना कोई ऑयल अवेलेबल है जी। बताया था कोरोना के दौरान, महामारी के दौरान इस काम का बिजनेस और ज़्यादा बढ़ गया है। उसका कारण ये रहा कि ज़्यादातर लोग अब अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि बाइक से, कार से। तो उस वजह से क्या है कि इंजन ऑयल की जो वो खपत है वो भी ज़्यादा होने लगी है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई गलने का, सड़ने का डर नहीं है, आप जहाँ पर भी हैं वहीं से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपनी मार्केटिंग में किस तरीके से सपोर्ट करती है, और अगर मान लीजिए कोई इस वीडियो को जो पहले से इस काम को कर रहा है, उसका बड़े लेवल पर काम है, तो वो अपना अगर खुद का ब्रांड बनवाना चाहता है, इनके ऊपर अपना खुद का नाम प्रिंट करवाना चाहता है, तो क्या रहेगा सर? सर क्या है, पहले तो हम मार्केटिंग में आते हैं, जो भी आपका बेसिक सामान होता है, जैसे कैटलॉग वगैरह हो गए, ब्रोशर्स हो गए, उसके बाद टी शर्ट्स वगैरह भी चलता रहता है, देन पेन्स हो गए जी आपके, ये सब पैड्स हो गए जी, ये सब तो हम प्रोवाइड करते रहते हैं जी। बाकी सर किसी बंदे को अपना जैसे प्रोडक्ट बनाना है, कोई क्लाइंट है, उसको अपना ब्रांडिंग करवानी है, तो इस टाइम पर हम काफ़ी लोगों की ब्रांडिंग कर रहे हैं जी, तो उसका ब्रांड हम उनके नाम से बना के दे सकते हैं, और सारी पैकिंग्स हमारे पास होती है, तो उनके नाम से हर चीज़ कस्टमाइज़ कर देंगे जी हम लोग जी। क्योंकि आजकल क्या जी, हर किसी की विश होती है कि उसका खुद का ब्रांड हो जी, तो हम लोग ने ब्रांडिंग का सिस्टम प्रॉपर है, हमारा सब कुछ इन हाउस सिस्टम है, और आपको किसी प्रकार के कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे लाइसेंस अवेलेबल हैं जी। तो सर सबसे पहले हमें ये बताइए, अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो कम से कम कितनी लागत उसे लगानी पड़ेगी सर, इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? सर क्या है, आज की डेट में जो मेन दिक्कत होती है कोई भी बंदा जो नया बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसको होती है दिक्कत इन्वेस्टमेंट की। तो हमने क्या कर रखा है जी, हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते कि हैवी इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपकी जेब में 15-20 हज़ार भी हो तो भी आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जी अपना जी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सर ने बताया कि अगर आपके पास 15-20 हज़ार रुपये हैं तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, और उनके जितने प्रोडक्ट हैं उनमें आप डील कर सकते हैं। तो सर अब हमें ये बताइए, कोई मान लीजिए 15-20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट लगाता है, तो उसे प्रॉफिट किस तरीके से होगा, और उतने पैसे लगा के वो कितने तक रुपये हर दिन के या फिर महीने के कितना पैसा कमा सकता है? सर क्या है, अगर आप सपोज़ कीजिए 15-20 हज़ार भी लगा रहे हैं, तो इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट है कि आप उसको सीधा डबल कर सकते हैं जी। पहली बात तो ये हो गई जी। अब जैसे हम बात करें रिटेलरों की, जो आखिरी में प्रोडक्ट जैसे रिटेलर बेचते हैं, उनको आप लगाओ जी 150 से 100 रुपये डब्बा, हर डब्बे पे बचता है जी। अच्छा। और अगर आप उसी के हिसाब से लगाओ तो आप कैलकुलेट करोगे इतना पैसा कमा सकते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है जी। तो सर जो एक पेटी होती है आपकी, मतलब उसमें 20 एक एक लीटर की 20 पैकिंग होती है, 20 पैकिंग होती है जी अपने तो पास। यहाँ पर सर ने बताया कि एक बॉक्स के साथ आपका अगर मिनिमम मैं 100 रुपये भी पकड़ के चलता हूँ, और एक पेटी भी अगर आप सेल करते हैं तो 2000 रुपये मुनाफा आपका एक दिन का बनता है, जो कि एक नॉर्मल है। आप जहाँ पर भी इसे सेल करते हैं, अगर आप दिन की सिर्फ एक पेटी सेल करते हैं तो 2000 है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप दिन के 2 पेटी बेच रहे हैं, 10 बेच पा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट यहां पर गेन कर सकते हैं। तो सर अब मुझे ये बताइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये होती है कि कोई जो पुराना इस लाइन में है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको सेल कर पाएगा, मगर जब कोई नया व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर एंटर करता है तो काफ़ी समस्याएं उसके सामने आती हैं। और अगर मान लीजिए किसी कारण वो माल को नहीं बेच पाया, तो उस केस में कंपनी की क्या करेगी सर? सर क्या है, हम लोग समझते हैं कोई भी नया बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो बड़ी मेहनत से पैसे अपने लगाता है बिज़नेस पे, कोई भी चाहे कोई भी बिज़नेस हो। तो हमारा क्या है जी, अगर आप हमारा प्रोडक्ट ले रहे हो और आपसे कल को सेल नहीं होता, तो आप हमारा प्रोडक्ट हमें वापसी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो आप हमें वापसी कीजिए, हम आपका रिफंड कर देंगे और प्रोडक्ट आपका वापसी ले लेंगे जी। बहुत शानदार। देखिए मुझे सबसे खास बात क्या लगी, तो यहाँ पर आप निडर होकर इस काम को कर सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि ये प्रोडक्ट इतना डिमांड है कि आप जहाँ पर भी बेचेंगे वो बिक जाएगा, और किसी कारण से अगर आपका माल नहीं बिकता है तो कंपनी इस प्रोडक्ट को वापस ले लेती है। तो सर अब हमें ये बताइए, मार्केट के अंदर पहले से काफ़ी सारे ब्रांड है, तो आपका ही ब्रांड क्यों चूज़ किया जाए, आपकी कंपनियाँ माल क्यों खरीदा जाए, उसका क्या कारण रहेगा? जो हमारा प्रोडक्ट है उसके 3 कारण है बेसिकली कि आप क्यों लीजिए। पहला तो क्या है जी, जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है वो 2000 किलोमीटर चलता है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 4-5 हज़ार किलोमीटर चलते हैं। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो फुली सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, वो हमारे प्रोडक्ट 10 हज़ार से ऊपर जाते हैं जी। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं आपको मार्केट में बहुत कम मिलेंगे, और बहुत कम कंपनी इस टाइम पर मैन्युफैक्चर कर रही है जी प्रोडक्ट जी। दूसरा कारण क्या है कि जो हमारे प्राइसेज है काफ़ी इकोनॉमिकल है, अगर आप किसी से कंपेयर करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसेज में अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट करते हैं जी।
और तीसरा क्या जी, जो सबसे मेन पॉइंट है क्वालिटी जी, हमारी क्वालिटी ऐसी है आप किसी के भी टक्कर में बेचें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हम आपकी क्वालिटी जितना भी हमारा प्रोडक्ट है सब कुछ प्रॉपर टेस्टिंग होकर प्रोडक्ट जाता है, तो आपका जो भी प्रोडक्ट आपके पास जा रहा है वो पहले हमारी लैब में टेस्टिंग हो रहा है फिर ही आपके पास जा रहा है। तो सर जैसा कि मैं समझ पाया हूँ इस बिज़नेस के अंदर तीन तरह के हमारा लोग रहेंगे, पहला जो आपका माल खरीदेंगे मतलब कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर, उनको किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, दूसरा जो इस प्रोडक्ट को मतलब यूज़ करेंगे जैसे मैकेनिक है या जहाँ पर जाके वो बेचेंगे, तीसरा जो एंड यूज़र्स जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, तो तीनों को बताइए कि किस किस तरीके से बेनिफिट होगा। क्या है जो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारा प्रोडक्ट लेगा उसको कैसे फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो उसकी पूरी मोनोपोली रहेगी एरिया में जी, जो भी एरिया में वो माल बेचेगा उस ब्रांड का नाम सिर्फ उसी के पास आएगा और किसी के पास नहीं आएगा जी। इन केस हमारे पास वहाँ से कोई इंक्वायरी भी आती है तो हम उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं कि आप बात कर लीजिए, बाकी जो रिटेलर है आपका जो मैकेनिक है जी उसके लिए हमने डब्बों में कूपन डाल रखे हैं, बाकी इतना मार्जिन है जी किसी डब्बों में इतना मार्जिन नहीं होता जी आज की डेट में जी, अगर इतना प्रोडक्ट में मार्जिन मिल रहा है और आप लगाओ जी मैकेनिक के लिए कूपन भी है 10 से लेकर 100 रुपये तक कूपन भी हम लोग देते हैं जी अलग अलग डब्बों में। जो यूज़र्स यूज करेगा इसे, यूज़र्स को सर क्या है, यूज़र्स को चाहिए होता है कि उनको क्वालिटी चाहिए होती है जी और सर्विस चाहिए होती है जी, हमारी दोनों ही एकदम परफेक्ट है जी। आप एक सस्ता भी पड़ेगा, सस्ता तो सर है ही जी, क्वालिटी भी, हाँ जी किलोमीटर भी उसके ज़्यादा। सर क्या है इकोनॉमिकल रेट में अगर बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाए आज की डेट में तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं जी, हम लोग सिर्फ पहली बार ही उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगली बार वो खुद सामने से आके मांगेगा जी मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए जी। तो देखिए तीनों तरह के जो लोग हैं उनको सभी को बेनिफिट है, पहला जो आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो कि पिछले 34 साल से अपनी सेवाएं दे रही है, और पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का आपको मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है प्लस क्वालिटी में माल मिल रहा है, दूसरा जिस मैकेनिक को आप दे के आएंगे या जहाँ पर भी बेच रहे हैं आप उन्हें उस पर डिपो के ऊपर कंपनी ने उसमें कूपन भी डाला हुआ है तो वहाँ से आपका रिपीट ऑर्डर भी आएगा और उसे क्वालिटी भी अच्छी लगेगी, तीसरा जो यूज़र्स इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो उसे क्या बेनिफिट होगा, एक तो उसे सस्ते में यहाँ पर अपनी जो सर्विस है वो हो गई है, प्लस जो पहले ब्रांडेड कंपनियों के 2000 किलोमीटर के ऊपर उसे सर्विस करवानी पड़ती थी यहाँ पर वो 4000 किलोमीटर तक अपनी बाइक को चला सकता है कम पैसे खर्च करके। तो सर अब हमें ये बताइए अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे या आपकी कंपनी में विजिट करना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकता है और टाइमिंग क्या रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप हमें बताइए। जो हमारी टाइमिंग्स है वो रहती है मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से लेकर 7 बजे तक, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स आ रहे हैं आप वहाँ पे जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी हमारी वेबसाइट है www.vipois.in आप वहाँ पे जाके भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी, बाकी आप हमें मेल भी कर सकते हैं जो भी आपका हो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो हमें बता सकते हैं। तो देखिए सबसे शानदार बात क्या है कि आपका एक तो 20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और 20,000 रुपये लगा के आप महीने के 60,000 रुपये तक कमा सकते हैं, मतलब कि डेली का अगर एक कार्टून भी सेल करते हैं तो 2,000 रुपये का मुनाफा होता है, 20,000 की लागत के साथ 60,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। और जो 60,000 रुपये महीना है वो मैंने मिनिमम पकड़ा है, अगर आप डेली की मान लीजिए 20 पेटी सेल करते हैं तो एक पेटी पे 2,000 का मुनाफा है तो आपका एक दिन का 40,000 मुनाफा होता है अगर आप 20 पेटी सेल करते हैं, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप अपने एरिया में कस्बे में गांव में शहर में अगर घूमते हैं हर काउंटर के ऊपर तो ये प्रोडक्ट इजीली आपका बिक जाएगा और आपके पास रिपीट ऑर्डर भी आएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में मिल रहा है और जो मैकेनिक यूज़ करेगा उसे वो कूपन मिल रहा है ताकि रिपीट ऑर्डर करेगा क्वालिटी मिल रही है और कस्टमर जब इसको यूज़ करेगा उसे रीजनेबल भी पड़ रहा है प्राइस में और उसका किलोमीटर भी बाइक जो है वो ज़्यादा चल रही है। और साथ में सबसे बड़ी बात मुझे कंपनी की क्या लगी, जब आप किसी नए काम को स्टार्ट करते हैं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है या किसी कारण बस आपका माल नहीं बिकता है तो कंपनी उसमें भी आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, वो प्रोडक्ट आपसे वापस ले रही है। फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी की सारी जानकारी दिखाई दे रही है, मंडे टू सैटरडे 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल अगर बिजी जाए तो आप इन्हें व्हाट्सअप कर दीजिए आपका नाम और आप कहाँ से हैं तो कंपनी के सारे प्रोडक्ट विद प्राइस आप तक पहुंच जाएंगे और आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। फिर भी कोई आपको लगता है वीडियो में कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो इनसे फ़ोन करके आप वो जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी, मिलते हैं नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद जय भारत।